गाइस तो फाइनली वी आर रीच एट आलेपीस हाउस बोट सेक्शन. दिस इज अ ड्रॉप पॉइंट. गाइस ये तो ड्रॉप पॉइंट है, यहीं पे सब आके बोट रुकती है और यहीं पे सब पैसेंजर्स अनलोड होते हैं. गाइस तो ये हम लोग की हाउस बोट है और अभी हम इसमें गेट इन हो रहे हैं. हाय हाय. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरविना फ्रॉम युगांडा. चलो आप लोग करो, मैं ऊपर वाले में इतना घूम के आता हूँ. क्या करना है? अच्छा ऐसा है क्या? गाइस तो ये हम लोग का हाउस बोट है, फर्स्ट रूम है ये अपने. हम लोग का रूम है गाइस, बढ़िया है, छोटा है बट हाउस बोट में इससे बड़ा क्या ही होगा. बच्चे अम्मी गाइस तो चलते हैं सेकंड रूम की तरफ. अब बोट चल रही है ना इसलिए हिल रहा है फोन कैमरा मैन, जो हमारा कैमरा है वो भी हिल रहा है. देखो गाइस सेकंड रूम है और टॉयलेट बाथरूम में दिखाओ. ऐसे ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट और बाथरूम वगैरह है, देख सकते हो आप. रूम्स नीट एंड क्लीन. आप अभी जस्ट हम लोग का बोट स्टार्ट हुआ है, बोट निकला है. अभी मैं आप लोग को ऊपर का दिखाता हूँ. ऊपर में भी दो रूम्स हैं. ऐसे तो ये देखो, ये एक रूम है, इसमें एसी भी देख सकते हो आप लोग. और ये एक रूम है, बाकी इसका व्यू देखो. यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है हाउस बोट का. अरे देखो ये हमारी आलिया भट्ट. और ये पार्टी एरिया है, यहाँ पर पार्टी वार्टी करेंगे हम लोग. ऐसे तो अभी चेकआउट टाइम हो चुका है, काफ़ी बोट यहाँ पर आके लग चुकी है, आप देख सकते हो. गाइस तो ये हमारे बोट के कप्तान है. ड्राइव करना सीख ही जाऊंगा एटलीस्ट आज में, तो मैं भी ड्राइव करना सीख ही जाऊंगा. अपन भी चलाएंगे यहाँ का बोट. देखो ये भी पायलट है, ये भी पायलट है. दुबई में प्लेन उड़ाते थे, आज इधर बोट चलाएंगे. बोट चलाएंगे अपन, ठीक है? एक दिन में सीख जाएंगे क्या है. मैं भी सीखूंगा आज. अम्मी भी बैठे हैं, पप्पू. बाकी ये लाइफ जैकेट है, अगर खुदा ना खासा कोई गिर जाता तो उसको बचाने के लिए. बोलना बोलना, एक सेकंड खींचता हूँ फोटो, एक सेकंड थोड़ा ना. ये लोकेशन थोड़ा सही दिख रहा है ना, इसलिए मैं. ए बाबू खड़े रहे तू, ऐसा सुन ना. फिर से निकल चुके हैं हम लोग, थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड कर रहे थे लंच के लिए. लंच के लिए होल्ड करने के बाद में अभी निकल चुके हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि 5 बजे पहुँचेंगे हम लोग. और इसी बीच में हम लोगों ने कुछ फिश भी पकड़ी है, ये देख सकते हो. ये वाली तो सरेंडर हो गई, बाकी दो अलाइव है. हम लोगों ने जस्ट अभी यहीं पे पकड़ी, बिकॉज थोड़ा फिशिंग का भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़े इक्विपमेंट है फिशिंग के लिए, तो आप लोग फिशिंग भी कर सकते हैं. अगर आप शौकीन हो फिश वगैरह पकड़ने की तो आप ये भी कर सकते हो भाई. सीधा मत बोट आएगा गाइस. तो हम लोग अभी उतर गए, ये विलेज है, यहाँ पे हम लोग परचेसिंग करने के लिए उतरे. और ये हमारी बोट है, वो देखो अलीजन वहाँ खड़ा हुआ है. हमने 4-5 फिशेस पकड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उधर.
और अभी और इवनिंग में और भी पकड़ेंगे गाइस। गाइस तो ये लॉबस्टर है। लाइव क्रैब्स है। और क्या है गाइस? तो ये सुरमई है मेरे ख्याल से, स्क्विड है, है। ये तो ये केरला की स्पेशल फिश है कैरमी। अभी हमने खाने में इसी को खाया था। 300 है ना सर? हाँ, पकड़ 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 पकड़। कैसा है टेस्ट? उच्ची को, उच्ची को मेरा दूसरा नाम। पहले एक तो पियो बेटे। उच्ची खत्म करके अभी बोट जो है वो अभी वो उस तरफ से अंदर जा रही है। आप देख सकते हो ये पूरी बोट जो है वो उसी तरफ से आएगी और वहाँ से अंदर जाएगी, फिर जो सिटी है उस सिटी के बीच में से बोट को लिया जाएगा। गाइस तो अभी देखते हैं अभी वहाँ पे कैसे नज़ारे है। गाइस तो हम लोग घुस चुके हैं इस तरफ में अंदर, यहाँ से भी सारी बोट्स आ रही है, हमारे पीछे भी बोट्स है और हम लोग भी हैं। गाइस तो लगभग अभी 5 बजने वाले हैं, हम लोग अभी हमारे जो नाइट का हॉल्ट का जो जगह है वहाँ पहुँचने वाले। गाइस बहुत एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली में, हम लोग एक्चुअली बहुत थक गए इसलिए हम लोग सो गए थे। बाकी अगर आप लोग एकदम फ्रेश ना रहोगे तो पूरा दिन आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। और मम्मी भी देखो, हाँ मम्मी बैठे हैं, सभी मतलब रिलैक्स मोड में है क्योंकि क्लाइमेट भी अच्छा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और ये बोट वगैरह देखने बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिल रहा है हमको केरला का। तो गाइस अगर आप एलएपी आ रहे हो तो एलएपी आओगे और हाउस बोट ट्राई नहीं करोगे तो फिर भाई कुछ नहीं करोगे। बैक वाटर, इतना खूबसूरत बैक वाटर है यहाँ पर। और दोस्तों मैं आप लोग को नंबर शेयर कर दूँगा, डायरेक्टली बोट का ओनर है, किसी एजेंट विजेंट का नंबर नहीं दूँगा मैं, डायरेक्ट आपको बोट का ओनर का नंबर दे दूँगा। आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करो और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ आ सकते हो तो आप लोग कम रेट में मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, अगर आप लोग डायरेक्ट भी एलएपी आ जाओगे, डायरेक्ट एलएपी आके भी आप लोग बोट बुक कर सकते हो तो बुक कर लेना, एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना वो लोग ज़्यादा पैसा ले लेते हैं आप लोग से, तो थोड़ा नेगोशिएट करो, डेफिनेटली आपको अच्छी डील मिलेगी। और आज का एलएपी का जो मैं जो ब्लॉग है वो मैं पूरा इकट्ठा एक ही ब्लॉग बनाऊँगा एलएपी का, क्योंकि एक वायनाड का ब्लॉग हो चुका है मेरा जो इसके पहले मैंने किया था वायनाड का। अभी इसके बाद में हम लोग जाएंगे मुन्नार, क्योंकि थेकड़ी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मुन्नार करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, संडे के दिन टिकट है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने के बाद में वापस ज्वाइन भी करना है, ड्यूटी पे भी ज्वाइन करना है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है एलएपी, तो आप लोग अगर डायरेक्टली अगर आते हो एलएपी तो एलएपी के लिए मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा, होटल्स के लिए, फिर जो हाउस बोट्स है उसके लिए मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा। और लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को, क्या क्या कहाँ कहाँ है, आप लोगों ने व्यूज़ में देखा भी होगा और मैंने हाउस बोट वगैरह भी दिखाई भी है। तो गाइस रात में देखते हैं अभी क्या मिलता है। आज एक्चुअली हम लोग फिशिंग करने का प्लान है, रात में अगर फिशिंग करते हैं, अगर फिश लगती है तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा गाइस। अगर आप आते हो तो इनके पास में सारा सामान होता है, जैसे जो फिशिंग रॉड वगैरह है, हुक्स है, इनके पास में होता है, तो आप लोगों को अलग से कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो किया था क्योंकि मेरे पास में है इसलिए मैंने किया था, आपके पास नहीं है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी फ़िशिंग एंजॉय कर सकते हो गाइस। तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ आओगे तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हो गाइस बहुत बढ़िया नज़ारे, आप वो भी देखिए और थोड़ी बहुत बातें भी होती रहेंगी।
ये जो छोटी बोट्स है ये लोग भी घुमाने ले जाते हैं, 300 रुपीज पर पर्सन लेते हैं और काफ़ी अंदर तक ले जाते हैं। जो छैया छैया की जो शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की, वहाँ तक ये लोग ले जाते हैं, मतलब शूटिंग एरिया तक लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे लोकेशन से, तो इंशाल्लाह अगर कोशिश हुआ तो मैं, शबनम और उस्मान और अलीजन, हम चारों भी जाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा स्पीड रहता है तो इंशाल्लाह वो उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे। अभी इवनिंग में देखते कैसा रहता है प्रोग्राम, बाकी वो देख सकते हो आप लोग, तो वो पार्टी वहाँ से जाके आई है। अभी ये अभी वापस आ रहे हैं, तो ये भी आप राइड कर सकते हो। 300 रुपीज पर पर्सन लेते हैं वो लोग। और बाकी बोट्स जो है, हाउस बोट्स बहुत है यार, इसमें ना आप लोगों को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग को बोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोट 100% मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से कोई डील मत क्रैक कर लेना, थोड़ा रुकना, नेगोशिएट करना अच्छी डील के लिए, और अच्छी डील इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और अगर आप सिंगल फैमिली हो तो शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है, जैसे अगर समझो एक आप अकेली फैमिली आई हो तो आप लोग उसमें शेयर भी कर सकते हो कि एक और एक फैमिली और आपकी फैमिली, ऐसे एक शेयरिंग में रह सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और मोस्टली यहाँ पे महाराष्ट्र के पीपल्स बहुत ज़्यादा है, मुंबई वगैरह से। अभी हम लोग ने जितने भी देखे तो काफ़ी लोग हमको महाराष्ट्र से मिले, काफ़ी घूमने के लिए आते, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यार। सब फैमिलीज जैसी है, जैसे हम घूमने हैं वैसे वो घूमने हैं, तो आप लोग उनके साथ भी थोड़ा सा एडजस्ट करके रूम शेयर कर सकते हो, बोट शेयर कर सकते हो, इससे आपको पैसा भी कम लगेगा और नए लोगों से मिलना भी होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अभी जैसे अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा के मतलब रात के कुछ जो इवेंट्स है वो रात के इवेंट्स करेंगे हम लोग। हम लोग का देख सकते हो पीछे डाइनिंग है, इधर पीछे डाइनिंग है पूरा, बैठने के लिए आराम से बैठ के खाना वाना खाने के लिए बढ़िया एकदम सिस्टम कर रखा है, और गाने वाने भी बज रहे। मैं गाने के सिस्टम में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, वीडियो देखिए एंजॉय करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, थैंक यू गाइस। तो ये आलेपी है और यहाँ का एक ब्यूटीफुल फिश देखो आपको दिख रहा है, सब कलर देखो कितना प्यारा है। हमारी बोट पीछे है और हम लोग बाहर फिशिंग कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। मम्मा छोड़ दो, चलो कैच एंड रिलीज है, इधर छोड़ता हूँ। क्या कही यार, देखा जिंदा थे ना, तो कुछ नहीं होता उसको। देखो देखो वहाँ से अंदर से भी बोट्स आ रही है, उस तरफ से भी अंदर से बोट्स आ रही है, वो एकदम लोकल इनसाइड से घुमा के लेके आ रहा है। देखो ये एक बोट जा रही है, एकदम इनसाइड से आ रहे हैं, अभी वो कहीं अंदर से आई है बोट, जस्ट मिस। उन लोगों की फट रही है, उन लोगों की फट रही है, हम लोग क्या है, हमारा बड़ा बोट है। तो ये हम लोग का आज का लास्ट डे है और ब्रेकफास्ट में इडली है, ये चटनी है जिसमें मिर्ची मुझे ज़्यादा पसंद है, तो पहले मिर्ची का अटैक करता हूँ। देख सकते हो फुल ओनली नारियल का चटनी है, और यहाँ पे है टमाटो चटनी, केरला स्पेशल, कड़ी पत्ते का तड़का मार के है ना, और सांभर में खाऊंगा नहीं क्योंकि सांभर अपने इधर भी मिलता है। तो गाइस अभी इसको एंजॉय करता हूँ, मैं बता दो आप लोग कैसे हैं। गाइस तो ये देखो अली सन ने मच्छी पकड़ा, उच्चे फिश, उच्चे देख फिश, ये आया उच्चे, देख फिश, अरे वाह।
वेरी गुड। रुको टच नहीं करना उसको, मैं निकाल के देता हूँ। कैसे, ये दूसरा बोट है एक्चुअली, हम लोग का बोट उस तरफ है, तो उस तरफ से सामान हमको इस बोट के थ्रू उस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि देखो ये भाई हमारे सामान ले जा रहे बेचारे। मैं भी अली जैन और उस्मान को लेके आता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और सबसे खतरनाक सामान वही है। आ जाओ उस्मान अली, लेने का उस्मान को। हाँ दोनों को मैं लेता हूँ, उन लोगों छोड़ के आता हूँ, पहले सामान तो ले लेंगे। हाँ मामू रुके, रुक बेटे, रुक 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 कुछ रुक रुक रुक। तो हम लोग आलेपी का जो टूर था वो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं मुनार की तरफ। देखो ये हम लोग के सामान वगैरह पैक हो रहा है, गाड़ी में लग रहा है, तो हम लोग अभी जाएंगे मुनार के लिए। तो ये देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है, छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ छोड़ के हम चलते हैं मुनार की तरफ। अली से बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अली का बर्थडे भी था, बर्थडे भी विश कर देना अली जैन को। थैंक यू बोलोगे ना बेटे? थैंक यू। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।